महापौर जयवंत सुतार ने की मनपा आयुक्त से मुलाकात। नवी मुंबई के 15 लाख लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने की मांग। नवी मुंबई महानगर पालिका के आगामी बजट को ध्यान में रखते हुए पूर्व महापौर जयवंत सुतार ने आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात कर शहर के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने की मांग की। इस अवसर पर पूर्व महापौर सागर नाईक, पूर्व महापौर सुधाकर सोनाव ने, वरिष्ठ बीजेपी नेता दशरथ भगत और नेता शिर्के मौजूद रही। जयवंत सुतार ने कहा कि पिछले 25 सालों से गणेश नाईक के नेतृत्व में हम नवी मुंबई का बजट तैयार करते रहे हैं, लेकिन इस बार मनपा पर एक प्रशासक है, इसलिए हम शहर की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्हें पूरा करने की मांग कर रहे हैं। जयवंत सुतार ने कहा कि हमने नवी मुंबई के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने की मांग की है। साथ ही झोपड़पट्टी इलाके में अस्पताल बनाने, होल्डिंग उनकी साफ सफाई करने, घन कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य और पर्यावरण शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। शहर का पर्यटन बढ़ना मांगता है, इसलिए शहर में मच्छालय निर्मित हो, फ्लोमिंगो सफारी हो, इनका निर्मित करने के लिए वह बजट में तरतूद कीजिए। झोपड़पट्टी एरिया में रुग्णालय की व्यवस्था नहीं है, वह रुग्णालय की व्यवस्था निर्मित करने के लिए एक तरतूद कीजिए। वैसा एक नई मुंबई की शान जो प्रवेश द्वार है, विभिन्न भागों से रस्ते जुड़े जाते हैं, शहर का पहचान होने के लिए प्रवेश द्वार निर्मित हो जाए। झोपड़पट्टी भाग में बहुत सारे पहाड़ी से नाला बहता है और नाला विजन ये शहर में भरे उतरतूत कीजिए, ऐसा मांग किया है। जो बहुत सारे दिन होल्डिंग पॉइंट मैंग्रोव की वजह से सफा नहीं है, जल्दी अपन मैंग्रोव निकालने की अगर वहाँ नियोजन करते हैं तो होल्डिंग पॉइंट साफ करने के लिए वह एक तरतूद कीजिए। ऐसा घन कचरा जो है वो घन कचरा निर्मित आज वो कम पड़ने वाला है और इसलिए वो प्रकल्प के लिए तरतूद कीजिए। पानी का वाटर सोर्स निर्माण के लिए तरतूद कीजिए। ऐसा आरोग्य, पानी, एजुकेशन, पर्यटन, शहर का सौंदर्यीकरण, इस माध्यम से विविध स्तर की मांग बजट में कीजिए, ऐसी मांग हमने की है। इस अवसर पर नवी मुंबई के सबसे युवा महापौर रहे सागर नाईक ने कहा कि इस वक्त मनपा की जिम्मेदारी आयुक्त पर है, ऐसे में वही बजट तैयार करेंगे, इसलिए हम जो काम करना चाहते हैं उसकी मांगों की लिस्ट लेकर यहां पर आए थे, जैसे उड़ान पुल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित कई मांगे रखी है। नवी मुंबई महापालिका के बजट में जिन जिन चीजों का तरतूद होगा वो चीजें विकास के काम में कर सकेंगे। अभी इलेक्शन है, प्रशासक यहाँ पे है, जब तक बॉडी नहीं आती और आगे चल के जनता के आशीर्वाद से वापस भाजपा की सरकार आने वाली है, नाईक साहब के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है और नाईक साहब ये इस महापालिका के मार्गदर्शक के तौर पे इस शहर को अभी तक जो बनाने का काम किया है वो आगे भी इस साल में करने के लिए जो जो चीज़ें हम करना चाहते हैं उसकी तरतूद बजट में होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए बजट में कौन सी चीज़ें जो नवी मुंबई के विकास के लिए ज़रूरी है, जैसे कि अभी कोरोना काल में वैक्सीन का हो, विविध भवन का हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हो, उड्डान पुल हो, विविध सामाजिक घटकों के लिए हो, विविध डेवलपमेंट काम का तरतूद होगा तो ही हम लोग इस साल में निर्णय ले पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।